प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी सावंत के साइड से, उसमें दो कैरेक्टर्स हमने आज देखे जो पहली बार मीडिया ने देखे है, और दो कैरेक्टर्स ने काफी गंभीर आरोप आप पे लगाए हैं। आप सबसे पहले वो दो शख्स को आप जानते हो पर्सनली, और क्या किस तरह का रिलेशन है आपका और दो शख्स से? देखिए, एक शख्स को तो मैं जानता हूँ। आज देखो, एक को मैं कस्टमर कह सकता हूँ, एक इंसान को तो मैं ज़िंदगी में 4-5 बार मिला हूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता बचपन का दोस्त या ये मेरे बचपन के बहुत अच्छे उन्होंने ही अच्छे कहा, उन्होंने भी अब्दुल कहा। मेरे बचपन के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त रहे हैं। तो हाँ, एक सिंपल लाइन में बोलना चाहूँगा, कोई मेरा बचपन का दोस्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नए 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 रोज नए नए जो आरोप लगा रही है राखी, नए नए लोगों को डिस्कवर कर रही है, जो जिसको वो ला के बिठा रही है कि ये है वो है। क्या मैंने कभी किसी को लाया है? अगर मैंने अगर लाना स्टार्ट किया तो मुझे एक प्रॉपर पोडियम चाहिए जहाँ मैं लोगों को बिठा सकूँ, राखी के विक्टिम्स को। मुद्दा ये मेरा है तो मैं आता हूँ, कभी भी अकेला आता हूँ, मेरा मुद्दा मैं रखता हूँ, मैं बात करता हूँ। राखी बहुत साफ तरीके से चीज़ों को गुमराह करना चाहती है मैटर से। चलो, क्यों ना हम सबसे पहले पुरानी बारे में क्यों ना बात करें। रितेश और राखी की जो शादी हुई थी, जो राखी साफ साफ कह रही थी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी और रितेश की शादी नहीं हुई थी, क्या ये बात सही है? आप लोग मुझे बताइए, रितेश और राखी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉल में कहा हमारी शादी कभी नहीं हुई और एक ऐड शूट था, करेक्ट? चलो पहले हम वहां से बात करेंगे। देखिए, जैसे राखी उमरा जाए के, आप लोग को भी पता है लास्ट 8-8 डे से मैं कभी भी बाहर नहीं आया हूँ। मैं कह रहा था बार बार कि राखी जब तक झूठ नहीं बोलेगी, राखी जब तक आके कोई उनके ड्रामे नहीं करेगी, मुझे कोई मीडिया अटेंशन की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। अगर झूठ बोलेगी तो मैं बाहर आऊंगा, प्रूफ के साथ मैं सामने बैठूंगा। चलो पहले हम हाथ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा मैं राखी का। राखी एक तो इतनी इतनी बड़ी झूठी है, इतनी बड़ी ठग है, जो आज जाके मुझे पता चल रही है चीजें हैं। ये सुनिए आप गौर से, मीडिया का जो कॉन्फ्रेंस था, मीडिया का जो जिस दिन राखी कॉन्फ्रेंस में आई थी, जब आके उन्होंने बात किया था कि मैं और रितेश शादीशुदा नहीं, उसके ठीक 2 घंटे पहले देखो क्या है। ये किसका नाम है? रितेश ये रितेश सिंह है, उनकी ऑफिशियल आईडी है इंस्टाग्राम की। ये वॉइस नोट सुनो गौर से। कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त हैं, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। बस जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था, फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो, क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था, वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसे मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी, लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। आदि जी एक बार फिर हर बार में एक हर बार फिर से सुना दीजिए। ओके डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त हैं, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, बस जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था, फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे बोलोगे तो, क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था, वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसे मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी, लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। इस लेवल का जो कितने आसानी से राखी लोगों को ठग रही है, कितने आसानी से। पहले कहती है मैं शादीशुदा हूं, अब आके साफ साफ कहती है वीडियो कॉल में कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। ये उसका एविडेंस उसके 2 घंटे पहले प्रॉपर प्लानिंग करके आई है कि रितेश तुमको नहीं बोलना है, ये नहीं बोल। जब
इतना आसानी से राखी सावंत पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, इतनी आसानी से? तो मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूं जिसको वो ठग रही है, और इसकी चीजें बाहर ना आ जाए इसके लिए नए नए एलिगेशन, नए नए कैरेक्टर पैदा हो रहे हैं। क्या मैं एक भी नए कैरेक्टर को ला रहा हूं? राखी, ये लड़ाई मेरी और राखी के, बेटर उस पे स्टिक ऑन रहो। नए 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 मुद्दों को लाके इस पे से ऑफ बीट क्यों हो रही हो आप? क्यों आपके मुद्दों से ऑफ बीट होना चाहिए? क्यों आप अपने झूठे चीजों से, जो भी आपने किया, क्यों आप बचना चाह रही हो इस चीजों से? प्लीज उस पे स्टिक ऑन हो, बताओ कि तुमने ये क्यों किया। तुम इतनी बड़ी ठग हो जिंदगी की, तुमने रितेश को कहा है कि तुमको कन्फेस नहीं करना है शादी के बारे में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम बैठ के सबके सामने सुनाती हो कि तुम दोनों दोस्त हैं, बिगो वाले, ये तुम दोस्त हैं? आदित्य एक सेकंड, मेरा जो सवाल था कि आज के जो दो किरदार थे, जिन्होंने एक किरदार ने कहा कि आपके जो बचपन के फ्रेंड है जो, और दूसरे किरदार ने कहा कि वो शैली जिनका नाम है उन्होंने कहा कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है आपको राखी सावंत, इस पे कितनी सच्चाई है? और जो बचपन के जो दोस्त है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि आप पे काफी सारे केसेस है, और उन्होंने पेपर्स भी दिखाए, कुछ सबूत भी थे उनके हाथ में, ये दो वाक्य पे कितनी सच्चाई है आदिल? देखिए सबूत है, कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाए, पहले कंप्लेंट करे फिर आके सबूत दे। ऐसा नहीं कि कुछ भी एक किताब पकड़ के आके बोले आदिल शादीशुदा, मैंने भी देखा इंटरव्यू को, आदिल शादीशुदा है, आदिल की पुरानी शादी हुई। तुम्हारे गंध को छपाने राखी, छुपाने तुम क्यों नए 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 झूठ आगे ला रही हो? तुमको पता है वो भी मैं सामने आऊंगा, मैं प्रूफ करूंगा, फिर मैं बात करूंगा। हर चीज का मैं सबसे पहले प्रूफ लूंगा, फिर मैं बात करूंगा। चलो किरदार के बारे में बात करते हैं। ये जो इंसान जो बहुत अच्छे तरीके से बैठ के क्लेम करता है कि मैं आदिल का बहुत बचपन का दोस्त हूं, और क्या कहते हैं, आदिल कारों का ठगने वाला बिजनेस करता है, चोरी का बिजनेस करता है, ठीक है? सो मेनी एलिगेशन अगेंस्ट यू। एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, जो भी एलिगेशन लगता है पहले उसके सामने प्रूफ रखना इंपॉर्टेंट, फिर बात करना। इन्वेस्टमेंट 50 लाख रुपए का कुछ आपको दिया है सब को, भाई उनके सवाल तो इतने अच्छे रहते हैं, आप मुझे इतना आप सवाल करते हो, आप कहीं दिन मुझे लगता है आप लोग जोकर नजर आ जाओगे इनके चक्रों में। ओके देखो ये न्यूज है, क्या लिखा है, किसकी न्यूज है? सबसे पहले ऊपर डेक्कन हेरल्ड, am I correct? DH. डेक्कन हेरल्ड के मुताबिक जो इंसान वो बैठा है, ये पूरा लिंक में शेयर कर रहा हूं, प्लीज पढ़ना इसको। ये इंसान एक इनोवा क्रिस्टा कार को चोरी करता है, एक MLC का नंबर प्लेट लगाता है, चोरी की गाड़ी का नंबर प्लेट लगाता है, फिर ये लेके जाके उस गाड़ी को बेचता है पुलिस स्टेशन में, हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन बैंगलोर में कंप्लेंट होती है, इस इंसान को अरेस्ट करते हैं और इस इंसान को जेल में डाला जाता है, अकॉर्डिंग टू डेक्कन हेरल्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू आदिल। डू नॉट लिसन एनीथिंग टू आदिल, प्लीज गो टू डेक्कन हेरल्ड, ये लिंक मैं भेज दे रहा हूं आप लोगों को, प्लीज आप जाके देखना। नंबर वन। नंबर टू, न्यू कैरेक्टर मैसूर में, मैंने ऑलरेडी इनके खिलाफ कंप्लेंट करके रखी है, ये एक सुपारी किलर्स हैं, मेरी लाइफ को जान का थ्रेट है, जो मैंने बार बार कहा था ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी मैंने कंप्लेंट किया है कि मेरी जान को धोखा है, राखी सावंत मुझे मरवाने वाली है, प्लान किया है, और जिस राखी जब प्लान किया था किसके थ्रू, दैट इज इस शैली के थ्रू, इस चीजों को मैंने ऑलरेडी मैसूर पुलिस को भी इंटीमेट किया है, कंप्लेंट मेरी ऑलरेडी है, और ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भी ऑलरेडी कंप्लेंट है, अगर मुझे कुछ होता है, अगर मैं मर जाता हूं, मेरा मर्डर या कुछ भी होता है, इसके प्रॉपर इसका इल्जाम आएगा शेली लेथर और राखी सावंत पे। क्यों? अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर है? टीओआई, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं कोई भी पेपरेजी चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी लिंक भेज रहा हूं। 7 सुपारी किलर्स अरेस्टेड इन मैसूर, जो सुपारी लेके मर्डर करना, मरवाना, गुंडागर्दी करना, उसमें मेन किरदार है शेली लेथर, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर। मैं आपको ये लिंक दे रहा हूँ, प्लीज आप ये चीज भी वेरीफाई कर लीजिए कि वो कौन है। और मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, अगर मुझे कुछ भी मेरी लाइफ में होता है, इसकी जिम्मेदार है शेली लेथर और राखी सावंत, बिकॉज राखी सावंत ने उनको ही सुपारी दे के रखी है मेरी कि आदिल को टाइम टेबल से
प्रॉपरली उनका काम कर लेना, और मेरे सोर्सेस के अनुसार वो लास्ट 8 दिन से इधर ही हैं और इधर ही रहने वाले हैं, कुछ मेरा करने वाले हैं मेरे सोर्सेस के आदिल अनुसार, बट क्या नॉट, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट, नॉट अ प्रॉब्लम, मैंने ऑलरेडी ये पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा है, दो दो पुलिस स्टेशन, वन इज इन मैसूर, वन इज इन ओशिवारा पुलिस स्टेशन, प्रॉपरली कंप्लेंट करके कि क्या होने वाला है, किधर होने वाला है, कब होने वाला है, ये इन दोनों का बैकग्राउंड है। बताइए आदिल, क्या शैली वो शख्स है जिन्होंने आपको राखी से मिलाया है, वो बोले आप कदमों में गिरे, ऐसी काफी सारी देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, सब... जब वो बैठ के बोले उनके बारे में, मैं इतना ही बड़ा बात कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता अभी उनके छोटे मोटे चीजों में मुझे अंदर जाके बात कर रहे हैं। लेट्स टिक ऑन टू मेरा और राखी के मामले में, आज के दिन में 50 कैरेक्टर और आएंगे, मैं भी 50 कैरेक्टर पैदा कर सकता हूँ, रोज मैं मीडिया ट्रायल करना चाहता हूँ, मेरी विनती है मैं नहीं करना चाहता हूँ, झूठे आरोप लगाना बंद करें, आप प्लीज कोर्ट में आइए, मेरे से लड़िए, न्याय पाइए, डू नॉट वेस्ट मीडिया वालों का टाइम, मेरा कीमती वक्त, तुम्हारे पास तो वक्त बहुत ज्यादा है, तुम तो हो बेकार इंसान, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं करने लायक काम, मीडिया के अलावा तुम कुछ करती नहीं हो, सिर्फ उनका उनका इस्तेमाल करती हो, एक दिन बुरखा पहन के तुम आती हो, कल तो तुम्हारा बुरखा, ये टॉपिक्स पे आप क्यों नहीं बात करते, अबाया कहाँ गया राखी सावंत का, बाल बाल का तो कल की बात करो ना आप पहले, आज की बात क्यों कर रहे हो आप मुझे, कल की बात कीजिए आप मुझे सबसे पहले, एज ए नॉर्मल आप जो हो आप मुझे ये पूछे, कल की बात कीजिए, जब बाल कटा के रोना धोना नाटक कर रही थी, अबाया कहाँ था, तो उनके तरीके से अबाया आता है, उनके तरीके से अबाया चले जाता है, उनके नए नए एलिगेशन आ जाते हैं, रितेश को फोन करके बोलते शादी नहीं बताना है, फिर आके फ्रेम करती है मुझे, आज नए नए कैरेक्टर्स को लाती है, उनके साथ मेरे मसले हैं, मेरे दूसरे केसेस, आप कौन हो, आप जज हो क्या, आप कानून हो क्या, आप पुलिस स्टेशन हो, पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, कचहरियां हैं, मैं हूं, ये मेरे मामले हैं, दैट्स अबाउट इट, राखी और मेरे मामले के बारे से क्यों हम ऑफ बीट हो रहे हैं, मैं आया हूं जस्टिस लेने राखी सावंत के लिए, आज कोई भी आके खड़के बोलता राखी, मैं ऐसे तो 500 लोग खड़े हो जाएंगे, मैं मुझे ये करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, राखी सावंत को एक बात कहिए, प्लीज स्टिक टू हर पॉइंट, प्लीज स्टिक टू हर पॉइंट, उनका मेरे मुद्दे को ऑफ बीट ना, आदिल ने इसको ठगा, आदिल ने इसको ठगा, आदिल ने इसको ठगा, राखी आदिल ने कहा है तुमने उसको ठगा, उसकी बात कीजिए आप बस, आदिल एक वीडियो कई जगह सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है, हाँ इसके बारे में ऐसे सवाल कीजिए मुझे राखी रिलेटेड, हाँ हाँ तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, जो जानकारी हमें मिली आपने भी मंगोली पुलिस स्टेशन में कुछ कल फाइल किया कंप्लेंट, अम्बोली पुलिस स्टेशन में जो होने वाला है लॉ की चीजें मैं लॉ के हिसाब से ही बात करूंगा, मुझे मीडिया ट्रायल्स नहीं चाहिए, जब उनके ऊपर एक्शन होगा तब आपको पता चलेगा, चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं, मेरे पास ऐसे कोई भी वीडियोस नहीं है, मैं ऐसा कैरेक्टर का इंसान नहीं हूं कि मैं किसी का भी वीडियो बनाऊं, ना मुझे ये चीजों का शौक है, नंबर वन, नंबर टू, अगर मेरे पास होते क्या आप लोगों ने देखा मैंने कभी कहीं शेयर किया है, कभी भी मेरे चीजों से शेयर हुई है, मैं कहता हूं राखी के पास है करेक्ट, राखी ने मेरे वीडियोस बनाए तो राखी सावंत ने शेयर भी किए थे, कल की डेट पे ऐसे कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में शेयर हुए थे, मेरे पर्सनल वीडियो जो राखी ने आगे से शूट किए हैं बैठ के वीडियो कॉल में, ये उनके पर्सनल पेज में उन्होंने शेयर किया था, आप लोगों को पता है करेक्ट, जब राखी के पास थे राखी ने शेयर भी किए थे, इस वीडियोस को राखी ने शेयर किया, राखी सावंत 251 उनके ऑफिशियल पेज में राखी ने शेयर किया है, इसका जवाब इतना तगड़ा दूंगा ना मैं, वो पुलिस के सामने दूंगा, मुझे मीडिया ट्रेल्स नहीं चाहिए, जो उनका पेशा है, जो पहले भी और सिमिलर क्राइम्स कर चुकी है, वीडियोस को दिखाना, पूरी मेरे पास रिपोर्ट है, जो जो राखी ने कहां कहां से फेक अकाउंट्स बनवाए, कहां कहां पे वीडियो अपलोड करवाया, उसके बाद इस पेज से इस पेज में उनके ऑफिशियल पेज में शेयर किया, ये राखी का पुराना पेशा है वीडियोस बना के वीडियो शेयर करने का, और इसका जवाब मैं बहुत अच्छी तरीके से दूंगा, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू है, विथ आईपी एड्रेस, कहाँ से हुआ, किधर हुआ, दिन रात बिना खाना बिना पीना मैं इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन के पीछे लग जाऊंगा, लगाऊंगा लोगों को, और इसका रिजल्ट बहुत जल्द मैं दूंगा। आदिल एक और बात, जिस तरह वीडियोस और ये फोटोज की चर्चा हो रही है, तो शर्लिन ने आज एक आरोप लगाया कि आप उन्होंने आपके फोटो फोन में न्यूड वीडियोस देखे हैं राखी के और आपके, इस पे कितनी सच्चाई, और इन्होंने ये भी कहा था कि आपको कहा था कि ये सारे फोटोज और वीडियोस डिलीट होने चाहिए, इस पे कितनी दरगाह की बात। सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, मैं
रिश्तों के साथ खेलना मुझे आता नहीं है। शर्लिन मेरी बहन है, आई डो नॉट वॉन्ट टू टॉक एनी थिंग अबाउट हर बिकॉज वो मेरी बहन है। वो आगे से आई थी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने कभी जाके सपोर्ट नहीं मांगा था। आगे से आई हैं, वो आगे से राखी के पास गई हैं, दैट वो उनका चॉइस है, मेरा कोई लेना देना नहीं है चीज़ों से, शर्लिन हो या राश्री हो, वो आगे से आई हैं। मैंने कभी भी जाके किसी को अप्रोच नहीं किया है, जिससे मैंने टैटू वाले को भी लाया, कल्याण जी को भी लाया, लाना पड़ा बिकॉज अपने आप को क्लियर करने के लिए कि एलिगेशन से। मैंने कभी भी किसी को भी मेरे स्वार्थ के लिए या राखी को झूठा बोलने के लिए, उनके नाटक के लिए मैंने नहीं लाया है, नंबर वन। नंबर टू, मेरे फोन्स की वीडियो की बात कर रहे हैं आप लोग, जानते हो जैसे एज ए एलिगेशन आज ये भी बात कर देता हूँ मैं, आपने हर इंटरव्यू में देखा होगा एक मेरे पास आईफोन है, एक मेरे पास वन प्लस एंड्रॉयड फोन है, क्या आप ये बात से सहमत हो? मैं पूरी मीडिया के सामने मेरे फोन्स को दिखाने के लिए तैयार हूँ, पूरे मीडिया के सामने। आपका बंदा कोई ले लो, मेरा पूरी गैलरी आप छान लो, पूरी गैलरी टॉप टू टो आप छान सकते हो, टॉप टू टो मैं दे भी दूंगा। या अभी आपको मैं ऐसे जनरली दिखा रहा हूं, आपके हाथ में दूंगा मैं फोन, एक भी इसके अंदर राखी और मेरा न्यूड वीडियो है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, नंबर वन। ये लीजिए, पकड़ो फोन, पकड़ो आप प्लीज फोन को प्रॉपर तरीके से छान मारो। नंबर टू आईफोन की बात जो बोलती है, मैसूर और मुंबई पुलिस जो आपने रखी, जब मैं आपके साथ अरेस्ट हुआ था तब मेरे दोनों फोन्स आपके घर में थे, आपने नहीं दिए थे, बहुत चालाकी से तुमने अपने पास फोन्स को रख लिया था। मुंबई पुलिस ने भी ये लिखा है कि आदिल के पास जब हमने अरेस्ट किया था फोन्स नहीं मिले, मैसूर पुलिस ने भी लिखा है फोन्स नहीं मिले, और मेरा एक ही स्टेटमेंट आज भी है कि मेरे दोनों फोन्स आपके पास है, आपने उसको बेचा है, उसको भी तुम बेच के खा गई हो ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि तुम तो 2-3 हज़ार रुपये के लिए भी नहीं, आपकी एटीट्यूड, आपकी असलियत बाहर आ जाएगी। एक तो लाखों रुपए के फ़ोन थे, ठीक है, आईफोन की अगर बात करें, ये मेरा आईफोन है, एक भी वीडियो ना इसमें न्यूड आपको मिलेगा। ये जो फ़ोन है ये भी बता दूं मैं आपको दोस्तों, ये मेरा नया फ़ोन है आईफोन, लेकिन जब आईक्लाउड डालते हैं आपके पास पुराना पूरा डेटा आ जाता है। तो मेरे पास इस फ़ोन में 2019 से लेके आज तक के मेरे पास हर एक फ़ोटो है इस फ़ोन में, आप डेट भी दे सकते हो कौन से डेट के कौन से वीडियोज़ हैं। ये लीजिए, लॉक मैंने खोला है, ये भी मैं फ़ोन मीडिया को सरेंडर कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे दोनों फ़ोन को छानिए, मेरा व्हाट्सअप देखिए, अगर एक भी वीडियो मेरा और राखी का न्यूड मिला, प्लीज़ आप छाप दीजिए कि आदिल के फ़ोन से मिला था। आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें मेरे पास नहीं है। राखी ने वीडियो शूट किया था आगे से, तो वो वीडियो राखी के पास ही था, और ये भी प्रूफ है कि राखी उसको शेयर कर रही है राखी सावंत के ऑफिशियल पेज पे, और ये 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। आदिल सर, लेकिन शर्लिन आपको कह रही है, और साथ ही साथ राश्री को, आई थिंक शर्लिन की जितनी बात है, आई हैव आंसर द क्वेश्चन, बहुत वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्ली से उन्होंने कहा है कि उन्होंने आपके मोबाइल में देखा शर्लिन, तो आप क्या कर रहे हो अभी, दोनों मोबाइल दिए हैं ना, बैठ के आधा घंटा आप देखिए फिर मुझे जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है आदिल, शर्लिन इतना बड़ा एक सेकंड क्या हुआ, मतलब इतना, मतलब वो तो आपको भाई मानती थी, दरगाह से पहले भी कुछ फाइट हुआ आप दोनों के बीच में? आई रिपीट अगेन, शर्लिन मेरी बहन है, मुझे वो आगे से मुझे सपोर्ट करने आई थी, आगे से मेरे साथ आई है, वो राखी के साथ खड़ी है, और वो साफ साफ कह रही है मुझे आदिल और राखी के पर्सनल मामले में नहीं पड़ना, दैट सपोर्ट। लेकिन राश्री को लेकर सबसे ज्यादा उनका मुद्दा था, 1 सितंबर को जब कॉल आया था उन्होंने, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, राश्री और शर्लिन के मुद्दे उनसे ही निपटा लो आप, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपको जोड़ा है उन्होंने, आपने क्या कहा उनके मुद्दे उनको, बट क्या होता है आदिल, पता है कि एक जो गंभीर आरोप लग जाते हैं आप पे, एक गंभीर आरोप लगा है कि आपके फोन में वीडियो है, आपने मुझे सरेंडर कर दिए, बट आपको क्या लगता है ये गंभीर आरोप क्यों लगे? शर्लिन कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके साथ किए थे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके साथ किए, हमें एज अ मीडिया पर्सन वी गेट द कॉमेंट्स, वॉट आर द ट्रूथ, वी नीड टू से टू द पीपल द ट्रूथ,
तो ये बात मैं पूछ रहा हूँ आदिल, आपको क्यों लगती है कि शर्लिन ने ये जो आरोप लगाया है आप पे कि वीडियोस देखे उन्होंने, उन्होंने कहा कि आदिल भाई डिलीट कीजिए डिलीट कीजिए, ये आरोप पे कि आरोप में कितनी सच्चाई है आदिल, ये जानना चाहते हैं क्योंकि ये बात आपसे जुड़ी है आदिल। सबसे पहले अगर मेरे पास वीडियो होते हैं, देखो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सक रहा, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग समझ जाइए। मेरे पास वीडियो होते हैं तो मैं तो कहीं ना कहीं उसको लीक करता। मैं कह रहा हूं साफ साफ कि ये वीडियोस हैं राखी के पास, राखी इसको लीक करती अगर उसके पास होते तो वो लीक कर रही है। अगर मेरे पास होते तो कहीं ना कहीं लीक होना था ना मेरे हाथ से, राखी तो लीक कर रही है उसको। मेरे पास कुछ भी, मैं ऐसा टाइप का इंसान हूं ही नहीं जो ये चीज करूं, ये फालतू चीजें करूं। और रही बात शर्लिन की, वो आगे से मेरी सपोर्ट में आई थी। अगर राखी ने उनको क्या ब्रेन वॉश किया है मुझे नहीं पता, ना मुझे जानना है। मेरी लड़ाई स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत से है। आई डू नॉट वॉन्ट टू ऑफ बीट दैट। और राखी प्लीज, जितने मेरे आरोप आपके पास विद प्रूफ लगे उसके बारे में आप जवाब दीजिए। अगर आपको आपको लगता है आपके पास जवाब नहीं और आप झूठी हो, आप आके कन्फेस मत करो, आप प्लीज कोर्ट में आ जाओ। लेट्स स्टॉप दिस एंड हैव। एक सवाल मेरा जी भी है कि शर्लिन ने बोला कि 1 सितंबर को फोन किया, उनको फोन आया राशि की तरफ से कि आदिल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है। तब लाइव लोकेशन के किसका बारे फोन आया था, किसको? राशि का फोन शर्लिन को गया रात के समय में, राखी शर्लिन राश्री का फोन शर्लिन को वो गया था, गया कि ठीक है? आपके साथ आदिल है, कि आदिल के लिए खाना ऑर्डर कर रही है, यो आदिल इंटरव्यू को इंटरव्यू दे दे रही देखे है। देखे ये चीजें आप उनको ही पूछ सकते हो, बिकॉज मुझे लेकिन तो नहीं पता। शर्लिन ने तब आपको कॉल किया, और आपको कॉल किया कि वो बोला कि हाँ, ऐसे ऐसा। एक बार मुझे उन्होंने कॉल किया था, कुछ उनके उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी डेफिनेटली। बट येट देखिए, ऐसे आरोप जो आप मुझे आके पूछते नहीं, हो, उन्होंने देखा एक सेकेंड लेट मी टॉक, ऐसे आरोप जो आप मुझे आके पूछते हो, ए लेम आरोप, इसको क्लियर मैं कहाँ करके बैठूँ? लेट मी टॉक, लेट मी फिनिश, फिर आप मुझे पूछना अगर आपका जवाब नहीं मिला तो। मैं वापस वापस इस आरोपों पे कहाँ जवाब दूँ? मेरे मुद्दे में राखी के साथ जो रखा हूँ मैं उस पर लड़ लूँ, ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। शर्लिन और राश्री का कुछ झगड़े हैं, वो उनके हैं, मैं अकेला हूँ, मेरी लड़ाई में लड़ रहा हूँ। वो लोग आगे से आके जुड़े थे, आज वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं। आई हैव नो नथिंग टू डू विथ इट। मेरी लड़ाई मैं अकेला लड़ूंगा, मेरे पास एविडेंसेस है, मैं लड़ूंगा। मैंने जेल खामा खा राखी के चक्करों में काटा है, राखी ने मुझे लूटा है, शी इज डन अ फाइनेंशियल फ्रॉड विथ मी। राखी ने मेरे साथ जो जो के, मैंने हर चीज़ का प्रूफ दिया है, एविडेंस दिया है मैंने, और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी है। वो पेपर, ये पेपर, जब भी मैं बात किया, अगर इफ इट इज पेपर इट विल बी टाइम्स ऑफ इंडिया, इट विल बी डेक्कन हेराल्ड, इट विल बी द हिंदू, इट विल बी द स्टार ऑफ मैसूर, मैंने ऐसी ही चीज़ों के बारे में मैंने बात किया है। और मैं आगे भी, जो इंसान एक लेम इंसान भी जाके प्रूफ देख सकता है, मैं इसी के बारे में बात करना ज़रूर चाहूँगा। और ये जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं, जो शर्लिन हो गए, राश्री हो गए, हाँ राश्री आज भी मेरे साथ खड़ी है, उनके लिए कुछ भी, उनके उनके ऊपर कोई भी तकलीफ आएगी तो उनके लिए मैं भी खड़ा हूँ, बिकॉज मैंने उनके लिए राखी बांधी है, एंड शी इज माई राखी सिस्टर। रही बात शर्लिन की भी, अगर उनको कोई कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़ती है, उनको मुझे नहीं लगता उनको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज शी इज़ वेरी स्ट्रांग इनफ। अगर मेरी ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आई विल स्टैंड फॉर हर, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो माई राखी सिस्टर। आदिल काफी सवाल, अब जितने जो भी एलिगेशन हो गए या फिर जितने भी नए कैरेक्टर्स हो गए इस मामले में, व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? सिंपल, एज आई हैव टोल्ड, आई एम फाइटिंग माई बैटल लीगली, ये भी मैं लीगली ही लड़ रहा हूँ। मेरे राखी ऑलरेडी शादीशुदा, ये भी मैं लीगली लड़ रहा हूँ। मैंने 377 जो आरोप है वो झूठा है, वो भी मैं लीगली लड़ रहा हूँ। मैं हर चीज़ लीगली ही लड़ रहा हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट दिस मीडिया ट्रायल्स, आज भी मैं बोल के जा रहा हूँ, मैं मीडिया के सामने नहीं हूँ। कल अगर नया झूठ लाती है तो उसको प्रूफ करने में जरूर आऊंगा, और मैं प्रूफ करूंगा अपने आप को, पूरी जिंदगी वो झूठ बोलेगी, पूरी जिंदगी मैं राखी सावंत को प्रूफ करूंगा। हाँ, अगर आपने इतनी हिम्मत है राखी सावंत, तो कभी मेरे साथ वन एंड वन बैठो, आई एम रेडी फॉर इट प्रॉपर। सिर्फ तुम और सिर्फ मैं, तुम्हारे कोई कैरेक्टर्स जो भी आपके जो मेरे से जिसको तकलीफ हुई है आप मत लाइए, ना मैं आपके लाऊंगा। वो एन एन ऑन आप बैठ सकती हो मेरे सामने, क्या आप कभी भी मेरे साथ, मैं उनको ऑन कैमरा इनविटेशन दूंगा, मैं प्रॉपर एक
प्लेस बुक करूंगा, वो आके मेरे साथ बैठे, मैं उनसे सवाल करूंगा, पहले 1 घंटा वो ही मुझे सवाल कर ले। मेरे सिर्फ 5 सवाल होंगे राखी से, 5 questions आई विल आस्क। अब मैं लिख के दूंगा, वो झूठी जवाब नहीं दे सकेगी। दैट्स अबाउट। आर यू ओके विद मीडिया पीपल कमिंग टू दैट प्लेस एंड कवरिंग? ओनली मीडिया ओनली, आई डू नॉट वॉन्ट एनी पब्लिक। पब्लिक आती है तो नो प्रॉब्लम, बट आई वॉन्ट द होल एंड सोल मीडिया, मीडिया ऑफ इंडिया कम देयर, लाइव बैठे, कोई कट ना हो, जान ले कि आदिल क्या है, राखी सावंत क्या है, कि कौन कितने पानी में है। मैं उसी दिन प्रूफ कर दूंगा। थैंक यू, यू वेलकम।